हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू टॉयज इन इंडिया। मैं सौम्या, टॉयज इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं आपके 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स एंड टॉयज एंड एक्टिविटीज़ लेकर आती रहती हूँ, जिनसे आपके बच्चों में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप होती रहती हैं, वो इंगेज रहते हैं फ्रूटफुली। एंड यस, विदाउट फर्दर टू लेट अस गेट स्टार्टेड एंड गेट स्ट्रेट इन टू द फर्स्ट एक्टिविटी दैट आई हैव फॉर यू टुडे। फर्स्ट एक्टिविटी इज क्यू पैटर्नो। ये एक रिपीटेबल एक्टिविटी है, काफ़ी सारी स्किल्स इस गेम के थ्रू डेवलप होती है। एंड यू कैन सी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, अटेंशन आर सम ऑफ दीज। इस तरीके के बैग में एक्टिविटीज आती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स। जो मैं आज एक्टिविटीज लाई हूँ सारी ही स्मार्टो किड्स की तरफ से हैं। स्मार्टो किड्स इज अ किड्स नंबर वन ब्रांड फॉर एक्टिविटीज एंड गेम्स। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स एंड इवन मैचिंग गेम्स और आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, कई सारी चीज़ें, इवन वुडन पजल्स आपको मिल जाएंगी फॉर हर एज के किड के लिए। एंड ऑल दीज आर डिज़ाइन बाय एज चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। सो इन दिस क्यूब पैटर्न मुझे आता है ये 4 क्यूब के फोल्डेबल पीसेस जो भी अभी फ्लैटन आउट हैं। एंड एक मैनुअल आता है, मैनुअल इज लाइक दिस, इसमें स्टेटेड रहता है क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या आइटम्स निकले। तो हियर आई गेट 4 फ्लैटन आउट क्यूब्स। ऑब्जेक्टिव दिया रहता है एंड हाउ टू प्रोसीड विद द गेम प्ले, कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। आई थिंक आई शुड टिल्ट द कैमरा अ लिटिल बिट, इट इज लॉट ऑफ मी एंड अ लिटिल लिटिल एक्टिविटी। यस, आई गेस दिस इज परफेक्ट नाउ। सो इस तरीके से क्यूब पैटर्न आता है। द नेम इज क्यूब पैटर्न बिकॉज इसके तो पहले से क्यूब बन जाएंगे एंड पैटर्न्स आपको चैलेंजेस की तरह दिए गए हैं। इस तरीके से आपको कई सारे चैलेंजेस मिल जाते हैं, 4 क्यूब के ही चैलेंजेस, अलग अलग चैलेंजेस। तो क्यूब के फेस पे, हर एक फेस पे अलग अलग पिक्चर, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर पैटर्न है और काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको मिल जाते हैं। टोटल 20 चैलेंजेस आपको मिल जाते हैं। कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है छोटे बच्चों के लिए, इट इज सबसे पहले तो क्यूब बनाना सीखेंगे, तो मोटर स्किल्स काम में लगती हैं। तो इस तरीके से मुझे फोल्डेबल पीसेस मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं कभी भी स्टोर एक्टिविटी खेलने के बाद, परफॉर्म करने के बाद उन्हें स्टोर करके वापस से इस बैग में रख सकती हूँ। तो 4 में जो क्यूब है उन्हें पहले उन्हें पैटर्न ऑफ क्यूब है उन्हें पहले क्यूब में बना लेती हूँ। ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अपने बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट लगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। And all these activities today that I have got from are from Smarto Kids. And yes, I will share with you how to. इस तरीके से मैं activity 1 कर रही हूँ। चार क्यूब्स मैंने बना लिए हैं एंड वॉट आई गेट इज इस तरीके से मुझे अलग अलग चैलेंजेस या पैटर्न्स मिलेंगे। तो से इधर आपको 4 क्यूब के अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे और मैं जैसे जाती हूँ सीधा लास्ट पेज पर, ये छोटे बच्चों के लिए क्यूसी, और मैं जैसे ये वाला पैटर्न कंप्लीट करके देखती हूँ तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें 4 फ्लावर्स हैं और किस ऑर्डर से लगे हुए हैं, किसी ग्रीन फर्स्ट, ब्लू, देन रेड एंड पर्पल, इस तरीके से बीच में लगा हुआ है। सबसे पहले मैं फेस अप करके फ्लावर्स लूँगी, ऊपर फेस अप मैंने सारे फ्लावर्स ले लिए हैं और लुकिंग एट द पिक्चर कौन सा पैटर्न मुझे ड्रॉ करना है। मैं सबसे पहले रेड फेस वाला ले लेती हूँ एंड देन रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो आपको देखने में इट इज़ लुकिंग कि इसमें कुछ नहीं है, बट फॉर किड्स एवरी थिंग इज़ न्यू एंड एवरी थिंग हैज़ गॉट सम लर्निंग विद इट, क्योंकि इस तरीके से दे विल लुक एट द पिक्चर, फेस अप करके दे विल ब्रिंग दिस फ्लावर शेप अपवर्ड्स एंड देन दे विल अरेंज इट द वे दिस इज अरेंज हियर। एंड यस, इस तरीके से यू कंप्लीट द पैटर्न। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यू गेट 20 पैटर्न्स। तो आपके बच्चे को 20 अलग अलग पैटर्न्स बनाने को मिलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये 13th पैटर्न करती हूँ, तो 13 पैटर्न में मुझे क्या है,
इसे आप मेमोरी गेम की तरह भी खेल सकते हो कि जैसे पैटर्न को उनको याद करना पड़ेगा, पहले से याद रखना पड़ेगा कि इस पैटर्न को मुझे बनाना है। तो जैसे मैंने ये जो क्यूब्स हैं वो साइड में रख दिए एंड देन मुझे रेड एक रेड फेस पे ट्राइंगल, फिर पर्पल सर्कल, फिर ब्लू सर्कल और फिर पर्पल ट्राइंगल। तो रेड पर्पल ब्लू रेड पर्पल ब्लू पर्पल ट्राइंगल सर्कल 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 ट्राइंगल सर्कल सर्कल ट्राइंगल, इस तरीके से मुझे जितना याद रह जाएगा मैं उसे क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो रेड पर्पल ब्लू पर्पल, सो फॉर आई नो रेड पर्पल ब्लू पर्पल पर ट्राइंगल सर्कल और ट्राइंगल सर्कल था राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेड ट्राइंगल एलिफेंट। पर्पल सर्कल डेफिनेटली ब्लू सर्कल रहेगा, मैं पर्पल ट्राइंगल रहेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस। और फिर से पॉइंट जैसे मैंने ये बना तो लिया बट देन पॉइंटिंग डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, तो ट्राइंगल इज पॉइंटिंग दिस साइड एंड एज वेल एज दिस इज पॉइंटिंग दिस साइड। तो इस तरीके से आई हैव क्रिएटेड दिस पैटर्न, तो एक मेमोरी गेम की तरह भी हो जाएगा, पैटर्न मैचिंग भी आ जाएगी। यू कैन सी दिस पैटर्न इज ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ और व्हाट एल्स आई गेट। इस तरीके से ये एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, जब एक्टिविटी आपका बच्चा खेल ले देन यू कैन पुट इट बैक इन टू द बैग। तो इट डज नॉट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस भी आपके घर में ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज रिपीटेबल हैं, मतलब एक बार खेल के ख़त्म नहीं हो जाती। एवरी टाइम द किड ओपन्स इट और जब भी बच्चा इसे लेके बैठता है तो उसे हर बार ये नई नई एक्टिविटीज करती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको 11-in-1 कॉम्बो में भी मिल जाती हैं जिसमें 7 एक्टिविटीज़ निकलती हैं, या फिर आपको 3-in-1 कॉम्बोज में भी मिल जाती है जिसमें 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ निकलती हैं एट अ वेरी जस्टिफाइड प्राइस। यू विल नॉट फील कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट हियर इज डोमिनो। डोमिनो इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम फॉर किड्स। ये कार्ड गेम्स है, डोमिनो गेम खुद में ही अपना एक डोमिनो गेम होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन, लिसनिंग, अटेंशन, फेमिलियरिटी, कल्चर, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं और कार्ड्स कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर फ्री ऑफ प्लास्टिक्स, तो नथिंग इज प्लास्टिक ओवर हियर। हेलो एंड वेलकम हूएवर इज जॉइनिंग अस लाइव राइट नाउ। तो ये डोमिनो गेम हो जाता है इस तरीके का, कुछ इस तरीके के कार्ड्स आपको मिल जाते हैं और कार्ड्स में आप देख सकते हो इसमें इधर हेड पार्ट नहीं तो टेल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, Not alone of animals, आपको इसमें डॉग का हेड पार्ट दिख रहा है, टर्टल का आपको टेल पार्ट दिख रहा है। अगर मैं दूसरा डोमिनो कार्ड उठाऊंगी तो मुझे ऑब्जेक्ट मतलब बस का आपको बैक साइड दिख रहा है और रैबिट का आपको टॉप साइड दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस डोमिनो गेम में आपको ये पूरा कनेक्ट करते जाना होता है, तो ये तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग गेम है। दिस वी कॉल दिस डोमिनो 2.0 एंड ये भी आपको इजीली, अगर आपको ये चाहिए अपने बच्चे के लिए तो 8799576722 यू जस्ट हैव टू लाइक प्लेस द ऑर्डर देयर ऑन व्हाट्सएप। और यस ये गेम 3 से 12 हर साल के बच्चे खेल सकते हैं, दे एंजॉय इट वेरी मच। इसमें कनेक्ट करते जाना होता है, तो मैं थोड़ा करके दिखाऊंगी दिस हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। बहुत लंबे समय तक ये गेम रहता है एंड नेवर किड्स नेवर ग्रो बोर ऑफ दिस। लुक एट दिस, मुझे जैसे क्रोकोडाइल अभी मिल गया है तो क्रोकोडाइल से मैं कनेक्ट करना शुरू कर रही हूँ। मैंने सारे कार्ड्स रख दिए हैं यहीं पर खोल के एंड जगह कम पड़ जाएगी बट देन दिस कार्ड्स आर नॉट रियली एंडिंग। सो इस तरीके से हर एक कार्ड में मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा था, मैं
फिर मुझे गाड़ी मिल रही है एंड देन मुझे और ये गेम कराते कराते एक्टिविटी परफॉर्म कराते कराते आप हर बच्चों को हर एक एक ऑब्जेक्ट का नेमिंग सिखाइए. से दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज बाइसिकल, दिस इज स्नेक, दिस इज कार. हर तरीके से पिक्चर्स भी उसको मिलती हैं. तो एवरीथिंग इज सो मच फन विद दिस गेम. द डोमिनो इज रियली रियली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. मुझे जैसे छोटे में हो सकता है बच्चे को एक एक दो दो पीस जोड़ने को कहिए, बट देन इवेंचुअली ही विल बी एबल टू एंजॉय एक्टिविटीज एज अ होल. टर्टल मुझे दिख गया है, पता है टर्टल ओके यहाँ था. एंड पाइन एप्पल मुझे दिख रहा है. आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी बट आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग इट सो मच. डॉग भी दिख गया, जिराफ दिख रहा है कहीं, ये दिख गया जिराफ भी. So this is the most favorite game of kids so far I know, because बहुत बहुत अच्छा गेम है. सब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कंप्लीट करते जाने हैं कनेक्ट करके. सो अच्छी खासी बहुत सारे कार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं. सो बहुत अच्छे प्राइस पे आपको ये गेम्स मिल जाते हैं. ट्री है, रेनबो है, कार है, एलिफेंट है एंड व्हाट नॉट. हर तरीके के ऑब्जेक्ट्स यू विल फाइंड. मेरे पास तो अच्छी गए ऑब्जेक्ट्स लो. इतनी लंबी ट्रेन तो मैंने ऑलरेडी बना ली है. तो दिस इज डोमिनो 2.0 एज आई से. और इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स हैं, टूटेंगे फटने के का टेंशन ही नहीं है. किड्स विल श्योरली लव दिस गेम. इसमें ना आप कंसीडर कर सकते हो जैसे पजल्स वो कंप्लीट करते जा रहे हैं. लॉन्ग चेन पजल्स अपन के पास हैं इस गेम के थ्रू. और अनलाइक पजल आपको एक दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं चल रहा, बल्कि और हर कार्ड अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स लेके आता है. And you have to just complete the object and this is how this game is played. इतने सारे cards आपको मिल जाते हैं. This is the activity domino. और मैं वापस because I've played it enough, तो फिर अभी मैं इसको वापस से bag में रख देती हूँ. So this was our second activity after cube patterno. Cube patterno idea is ideal for आप 3 साल का बच्चा कर समझ लगता है, तो 3 साल से 8 साल तक के बच्चे को करा सकते हो. इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि कैसे चैलेंजेस वाले जो टास्क होते हैं वो कैसे करने होते हैं, तो उसका एलिमेंट्री आइडिया देने के लिए यू कैन यूज क्यूब पैटर्न. नेक्स्ट इज दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फन विद नंबर्स. ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस एंड आई ऑलवेज फील लाइक आई शुड कीप प्लेइंग इट. तो एक्टिविटी में कुछ नहीं निकलता है, मैनुअल आपको इधर ही मिल जाती है. एक्टिविटी में बस एक बुकलेट निकलती है और एक बहुत बहुत क्यूट सी स्टैम्प, वो पंचिंग स्टैम्प सी निकलती है. पंचिंग दिस इज सो क्यूट. तो आपको मिलता है एक्टिविटी में ये सब सामान. 24 पंचिंग एक्टिविटी आपको मिल जाती है इस एक्टिविटी बुक में. हर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स काउंटिंग एंड चैलेंजेस द चाइल्ड टू थिंक. तो बच्चे को सोचने पे मजबूर करती हैं, तो उनकी थिंकिंग स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव होती हैं थ्रू दिस एक्टिविटी. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटी है जिसे घर में ही रह के बच्चे पूरे घर में घूमते जाएंगे. दे विल बी एक्टिव, सुपर एक्टिव एंड दे विल बी लर्निंग नंबर्स विद फन. मतलब या द नेम सेज फन विद नंबर्स. सो या सो व्हाट यू गेट इज किस तरीके की एक्टिविटी बुक मिलती है और एक्टिविटी में क्वेश्चन किस तरीके के मिलते हैं. हाउ मेनी आईज डू यू हैव. तो छोटे बच्चे तो हाउ मेनी आईज डू यू हैव, देयर लर्निंग काउंटिंग इन द इनिशियल स्टेजेस. एंड दिनों के 2 आंखें हैं तो उनको 2 बार ये चीज पंच करनी है ऑन दिस एक्टिविटी बुक.
जो भी आंसर हो और इस पे यहाँ पे हमको पंच करना होता है। पंचिंग इज सुपर इजी एंड सुपर फन, बहुत ही प्यारी स्टार शेप की पंचिंग है, तो किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस। खिलौने भी हो गए साथ में और सीखना भी होगा। तो मैंने दो स्टार्स यहाँ पंच कर दिए हैं, स्टार वाली पंच मशीन है, दिस इज सो नाइस पंचिंग मशीन है स्टार वाली। हाउ मेनी आई डू हैव, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आया कि क्वेश्चन टाइप के आंसर्स हैं होंगे उसके, एवरी रूम हैज दिस वाइट लाइट ऑब्जेक्ट। वाइट लाइट ऑब्जेक्ट जैसे मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा है, इसको ट्यूबलाइट कहते हैं, एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन या फिर वाइट लाइट कहते हैं। फिर काउंट द टोटल नंबर ऑफ वाइट लाइट्स इन योर होम। तो मुझे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिख रहे हैं। तो मैंने ये एक्टिविटी पहले परफॉर्म की थी, तो मैंने इसे शायद 6 ही मार्क किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द सेम एक्टिविटी बुक। फिर अ डजन ऑफ इज अ सेट ऑफ 12, मतलब पारे के सेट को डजन कहते हैं। हाउ मेनी डजन ऑफ स्विचेस कैन वी फाइंड इन आवर होम, यानी कि 12 पारे तो ईजी ही नहीं है। इट चैलेंजेस योर चाइल्ड टू थिंक, थोड़ी थिंकिंग स्किल्स भी लगेंगी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एंड दे माइट टेक योर हेल्प बट देन दे विल लर्न। पूरे घर में घूमते घूमते दे विल फाइंड एवरी थिंग टू लर्न। तो इस तरीके से इन योर क्लॉक विच नंबर इज द आवर हैंड पॉइंटिंग टू, तो जैसे मेरी जो क्लॉक है उसमें आवर हैंड करेंटली इज पॉइंटिंग टू 4, तो मैं यहाँ पे 4 स्टार्स पंच करूँ। And they can keep this punching machine with themselves forever. इस तरीके से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग घर के डेली के क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स नंबर्स में होंगे और जो भी नंबर होगा वो उनको पंच करना होगा। तो हुई ना ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड फन विद नंबर्स। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस एक्टिविटी, मैसेजेस ऑन दिस नंबर 8799576722। एंड नेक्स्ट अप वी हैव अ नेक्स्ट अप जो हमारा लर्निंग गेम है दिस इज कॉल्ड, ओके बिफोर दैट आई लाइक टू ब्रिंग अ पार्किंग पजल ऑल्सो। सो यस, पार्किंग पजल दिस इज अ रिपीटेबल एक्टिविटी, छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है। इसमें करना क्या होता है, ये पार्किंग पजल में एक मैनुअल आ जाती है आपको, एक गेम बोर्ड आ जाता है, वेरी वेरी कलरफुल, वेरी प्रिटी सा वुडन का गेम बोर्ड आ जाता है। एंड करना क्या होता है आपको रेड और ग्रीन से, ग्रीन और रेड करना होता है, लाइक इधर ग्रीन लाइट है, इधर ग्रीन कॉइन से, इधर रेड कॉइन से आपको टर्न करके उसे ग्रीन यहाँ पे और रेड यहाँ पे, मतलब बार बार इंटरचेंज करना होता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके से आपको ये मिल जाती है, आई एम सरप्राइज इस, देखो यू जस्ट हैव टू मूव इट दिस वे, एक साइड रेड है ऑलरेडी, एक साइड ग्रीन कॉइन्स, इसका भी यू कैन मूव दीज इन दिस स्लाइड करके ही आपको मूव करके ये चैलेंज पूरा कर देना होता है। तो दिस वॉज अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम दिस सेट। और उसके बाद आई विल ब्रिंग टू यू दिस एनिमल फैमिली, इसके कार्ड्स को मैंने खोल दी थी एक्टिविटी। एनिमल फैमिली में आपको 30 इस तरीके के कार्ड्स निकलते हैं। ये छोटे बच्चों को एनिमल्स का आइडिया, एनिमल्स, उनके बेबीज, उनके शेल्टर का आइडिया देने के लिए बहुत बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है। तो इसमें आपको इस तरीके से एनिमल्स के पिक्चर्स मिल जाते हैं, हर कार्ड पे एनिमल का पिक्चर, उसके शेल्टर का पिक्चर होगा या तो उसके बेबी का पिक्चर होगा। जैसे आप इधर देख सकते हो लायन का पिक्चर है और ये जहाँ गाय रहती हैं, तो गौशाला कह सकते हैं कि ये गाय रहती है वहाँ पर उसका, और ये इधर पपी दिख रहा है आपको, यानी कि डॉग का ऑफस्प्रिंग है। तो इस तरीके से आपको 30 अलग अलग कार्ड्स में जाते हैं। कार्ड्स में या तो कोई एनिमल का ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि एनिमल का बच्चा होगा, या फिर एनिमल होगा, या फिर उनके रहने का शेल्टर जो होता है उनका वो होगा, और हर चीज़ का नाम होता है। तो यस, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखा सकते हैं। जैसे मुझे इधर दिख रहा है केनल जहाँ डॉग रहते हैं, और फिर यहाँ पे मुझे एक बर्ड दिख रही है, बर्ड का ऑफस्प्रिंग ही दिख रहा है, आई एम सॉरी। इस तरीके से मुझे यहाँ पे लायन दिख रहा है,
जी यहाँ पे हेन का ऑफस्प्रिंग दिख रहा है, ये कोकू के तरीके से इधर गाय दिख रही है, नेक्स्ट मंकी ट्री, मंकी का ट्री पे रहता है डेफिनेटली, फिर ये हो गए स्पाइडर द मंकी के पापा, मंकी वाला ट्राइब मेरा कंप्लीट होता है, मंकी मंकी का बच्चा और ट्री में रहते हैं यानी कि, और इनके जो नाम होते हैं वो आप सिखा सकते हो अलॉन्ग साइड लायन, लायन का कब मुझे यहाँ मिल रहा है, लायन रहता है डेन में, इधर कहीं डेन का भी फोटो होगा, इधर द बर्ड मिल गया मुझे, स्पैरो बर्ड का बच्चा मुझे यहाँ पे मिल गया, मुझे इधर पैरट मिल गया, हॉर्स स्टेबल में रहते हैं, स्टेबल है एंड देन हॉर्स देखकर खुद ही, तो हॉर्स यहाँ पे रहेंगे स्टेबल में, हॉर्स का बच्चा यानी कि फूल जब भी मिलेगा तो मैं वहाँ प्लेस कर दूँगी, कैट मिल गई मुझे एंड देन पैरट का बेबी मिल गया, बेबी पैरट, और ट्री पे रहते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको ट्रायल कंप्लीट करने होते हैं, 30 आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, हैन हो गया ये चेक हो गया एंड इधर इधर पिजन रहता है, वेब मिल गया फॉर स्पाइडर्स, स्पाइडर का बेबी ढूंढना है, गाय का बच्चा मिल गया बछड़ा काका, स्पाइडर का बेबी दिख गया, तो इस तरीके से ट्रायो बना के आपको पूरा लाइन पूरा एक ट्रायो क्रिएट करना होता है आपको, पूरे अलग डॉग डॉग का बेबी दिख गया, तो नहीं डॉग दिखा है, पपी तो पहले दिखा था कहीं पे, मैंने कहाँ रख दिया है, ओके डॉग, और डॉग के लिए मुझे उनका शेल्टर यानी कि कैनल दिख गया, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस दिए जिससे बच्चों को आइडिया लगे, कैट कैट की किटन मिल गया, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, इस तरीके से पाइड देखते हो, पैरट का घर मिल गया, देन कैट के रहने की जगह मिल गई, इसी तरीके से हॉर्स का बच्चा फोल मिल गया, हॉर्स के बच्चे को फोल कहते हैं, फिर लायन का डेन भी मिल गया है, वी आर डूइंग गुड, लायन का कप भी मिल गया था, और ये हो गई एक्टिविटी, इस तरीके से गाय कहाँ रहती है वो भी मिल गया, हैं यहाँ रहती हैं और बर्ड्स यहाँ रहते हैं, तो एक तो डॉग भी था, तो डॉग भी यहाँ देखते हो और बर्ड्स का भी दिख गया, इस तरीके से आपका पूरा ये ट्रायो कंप्लीट होता जाता है। लुक कैन यू सी इट, अच्छी क्वालिटी के आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, फॉर योर किड्स टू कीप देम फॉर लॉन्ग, एंड आई हैव क्रिएटेड सो मैनी टेन ऑल दीज डिफरेंट एनिमल्स और उनके ऑफस्प्रिंग एंड उनके शेल्टर, मैंने सब लाइन्स लगा दिया, तो दिस वाज एनिमल फैमिली एंड दिस वाज द एक्टिविटीज दैट वी हैव फॉर टुडे एंड विल सी यू टुमारो ऑन संडे, आई होप यू हैव अ गुड टाइम एंड यस बाय बाय, टेक केयर।